तो कल दिन की वीडियो अपलोड करके अपनी टीम से बात करते हुए हमने मजाक में कहा कि इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीतेगा। वहां से सवाल नुमा जवाब आया कि कौन सा वर्ल्ड कप, 2027 वाला। इस सवाल जवाब के सिलसिले में हमें क्या पता था कि एक भविष्यवाणी कह दी गई है, क्योंकि इंग्लैंड 2023 वर्ल्ड कप तो जीतने वाला नहीं है। वैसे कल के मैच से पहले इंग्लैंड को सपोर्ट करने वालों को उम्मीद थी कि इंग्लिश टीम कल वापसी जरूर करेगी। इसके लिए इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी, जो उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ करना चाहिए था। क्रिस वोक्स, लियम लिविंगस्टोन के साथ मोइन अली को भी टीम में जगह दी गई, जो कि इन्हें पिछले मैच में ही करना चाहिए था। खैर जो भी हो, इन चेंजेस के बाद हमें काफी उम्मीद थी कि इंग्लैंड का ये पैतरा काम करेगा और श्रीलंका जैसी टीम के सामने बेहतर खेल दिखेगा। इस उम्मीद को वानखेड़े से बैंगलोर शिफ्ट हुए वेन्यू ने पंख दे दिए, क्योंकि दिल्ली और मुंबई की ह्यूमिडिटी के बाद बैंगलोर तो सुहाने मौसम जैसा है। वैसे भी इंग्लैंड जिस हालत में था, उस हालत में कमबैक बनता है। ऐसे कमबैक इंग्लैंड या कहें बहुत सी टीमों ने किए हैं, इसलिए कल के मैच को इंग्लैंड का टेक ऑफ पॉइंट भी गिना जा रहा था। लेकिन 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 इन सब में हम ये भूल गए कि जो कैरिज्मेटिक कमबैक की सारी कंडीशंस इंग्लैंड पर अप्लाई हो रही है, वो सारी की सारी बल्कि उससे ज्यादा श्रीलंका पर भी अप्लाइड है। आधे दर्जन फर्स्ट लीग के प्लेयर तो पहले इंजर्ड थे, अब कप्तान शनाका के पीछे पीछे पथिराना भी चोटिल हो गया। चार में से जीते सिर्फ एक मैच है, वो भी नीदरलैंड से। कुसल मेंडिस को इंटरनेशनल लेवल पर कप्तानी में चार दिन का भी अनुभव नहीं है। साफ साफ कहें तो श्रीलंका दीवार से टिकी थी, बिल्कुल फिल्मी कमबैक की स्क्रिप्ट रेडी थी। बस अब जरूरत थी तो इस कमबैक को कर्णधार बनाने वाले कैरेक्टर की, और उस कैरेक्टर की एंट्री पिक्चर में 3 दिन पहले ही हुई थी, जबकि इस वर्ल्ड कप में वो आए परसों शाम को। तो चलिए, उस कैरेक्टर के आगमन से लेवल अप हुए श्रीलंका के खेल और इंग्लिश टीम के बर्बाद हुई खेल की कहानी को समेट कर कल के मैच का रिव्यू पहली बॉल से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कल जब श्रीलंकाई टीम अनाउंस हुई तो एक बात पर बड़ी चर्चा हुई कि जो मैथ्यूज कुछ घंटों पहले लंका में T20 क्रिकेट खेल रहे थे और फर्स्ट स्क्वाड से इग्नोर होने के बाद शनाका की जगह भी टीम में नहीं आए थे, वो रातों रात इस प्लेइंग 11 का पार्ट कैसे बन गए। हम समेत कई फैंस ये सोच ही रहे थे कि शनाका की जगह आने वाले चमका करुणरत्ने को रिप्लेस करके मैथ्यूज 11 में आए कैसे। तभी मैथ्यूज ने अच्छी शुरुआत कर चुकी इंग्लैंड को मलान के रूप में पहला झटका दे दिया। इसरा 45 के स्कोर पर पहला विकेट गिरा, और हमारे सवाल का जवाब कि मैथ्यूज टीम में कैसे आए, इसका जवाब भी मिल गया, अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस। तभी मैथ्यूज ने रूट को भी रन आउट कर दिया। इंग्लिश स्कोर 57 पर हो चुका था और मैथ्यूज को टीम में शामिल करने का फैसला भी सही साबित हो रहा था, मगर अब इंग्लैंड से वापसी की उम्मीद थी, जबकि लंका की तरफ से पकड़ को मजबूत करने के एफर्ट की आस थी। खैर, इन दोनों में से ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इंग्लैंड ने वापसी की ही नहीं बल्कि बेहद खराब गेम सेंस प्रेजेंट किया, जिसके चलते लंका को एफर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो तो बस एक वक्त पर आए मौके को कैच करते गए, फिर चाहे बेरस्टो हो, बटलर हो, मोइन अली हो या क्रिस वोक्स हो, किसी की भी कैच को लंकाई फील्डर्स ने दूसरा चांस नहीं दिया। हालांकि लिविंगस्टोन के अंपायर्स कॉल पे आउट होने और बेन स्टोक्स के टिके रहने के बावजूद अटैक के चलते आउट होने जैसे ब्लेमिंग इंसिडेंट हुए, लेकिन घटिया बैटिंग के आगे सारे ब्लेम बेकार है। उधर श्रीलंका जब 5 विकेट तक आया और मोइन के साथ बेन स्टोक्स रिकवरी मोड पर थे, तो मेंडिस ने मैथ्यूज को अटैक पर बुलाया। ये मैथ्यूज ने मोइन को आउट किया और उसके बाद गेम में एक्टिव तौर से अपने एक्सपीरियंस का यूज किया। यही हमारा ये सवाल कि मैथ्यूज टीम में कैसे आए, वो इसमें बदल गया कि भाई मैथ्यूज अब तक स्क्वाड में क्यों नहीं थे, क्योंकि एक्सपीरियंस क्या कर सकता है, ये मैथ्यूज ने कल बेहद ही खूबसूरत अंदाज में बता दिया। अगर हम ये कहें कि इंग्लैंड के कोलैप्स में मैथ्यूज का काफी हाथ है, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मैथ्यूज ने मेंडिस को बॉलर्स के रोटेशन और फील्ड प्लेसमेंट में जो एडवाइस दी, वो विकेट के तौर पर रिजल्ट लेकर के आई। बाकी उनका नेवर गिव अप एटीट्यूड टीम में जो एडिशनल एनर्जी लाया होगा, वो तो अलग ही है। इस तरह जो मैथ्यूज कुछ घंटों पहले लंकाई टीम का पार्ट नहीं थे, वो करंट चैंपियन की खस्ता हालत की मेन वजह बन गए। इंग्लिश टीम सिर्फ 156 रन पर सिमट गई। 157 रन के छोटे से लक्ष्य के आगे परेरा और मेंडिस के विकेट्स ने थोड़ा सा माहौल जरूर गरमाया था, लेकिन 23/2 से लंकाई टीम ने पॉजिटिव खेला और इंग्लिश टीम को 2015 की तरह चुभने वाली यादें दे दी, जिसमें खास तौर पर सदीरा के 65 रन थे, जिन्होंने 120 के स्ट्राइक रेट से रन बनाकर इंग्लिश बॉलिंग को भी कुछ खास इज्जत नहीं बख्शी। उधर निशंका ने जिम्मेदार बनकर 77 रन बनाए और लंका को 8 विकेट की मशहूर जीत दिलाई। इस तरह लंका का इंग्लैंड पर वर्ल्ड कप में दबदबा कायम रहा। 2007 से लेकर अभी तक सभी 5 मौकों पर लंका ने जीत हासिल की है, साथ ही शानदार जीत के साथ लंका का रन रेट भी ऊपर चढ़ गया है, क्योंकि श्रीलंका की इस जीत ने इंग्लैंड के रास्ते लगभग बंद कर दिए हैं, लेकिन अपने लिए कुछ मौके बनाए हैं और ये मौके पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान को भी मोटिवेट करेंगे, इसलिए लंका की जीत ने एक तरफा मैचों से भरे इस वर्ल्ड कप को एकदम से ओपन कर दिया है। बाकी आज के मैच में रिजल्ट तय करेगा ये वर्ल्ड कप थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा या फिर अभी वाले टॉप 4 ही सेमीफाइनल में जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।